चीज जो यहाँ मुझे लगी वो ये फ्लैप वाले फोन। फ्लैप वाले फोन जो है 50 यूरो के अंदर अंदर सारे फोन्स, बहुत सारे फोन्स अवेलेबल थे। ये सिर्फ हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आई होप एवरीवन इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आई एम सूरज एंड यू आर वाचिंग द दैट्स अप व्लॉग्स। आज का व्लॉग किस बारे में होने वाला है? आज के व्लॉग में हम बात करने वाले हैं फोन्स की। हम जा रहे हैं मीडिया मार्ट। मीडिया मार्ट क्या है? मीडिया मार्ट यहाँ का एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट होता है जहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिलते हैं। फोन हो गया, लैपटॉप हो गए, केबल वगैरह, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि भाई यहाँ मोनोपोली होती है कि यहाँ कोई जगह जगह पे कियोस्क होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। तो कियोस्क की जगह ये क्या करते हैं कि अपना एक पूरा होता है कि यहाँ आप इलेक्ट्रॉनिक खरीदो, यहाँ पे सुपरमार्केट की चीज़ें, ग्रॉसरी आइटम्स वगैरह, तो ऐसी सारी चीज़ें, ऐसी शॉप्स होती है। समय हो रहा है 5:30 और मैं अभी निकल रहा हूँ। मुझे फ़ोन भी ठीक करवाना है और फ़ोन भी लेना है। हाथ थोड़ा टाइट चल रहा है इसलिए मैं आईफोन 13 वगैरह जो भी है उसके लिए प्लान अभी नहीं कर रहा हूँ, थोड़े दिन बात करूँगा। मेरा पुराना वाला फ़ोन भी जो मैंने लिया हुआ है वो एक फ्रेंड से लिया हुआ है, तो वो फ़ोन में थोड़ी चार्जिंग की दिक्कत आ रही, तो पहले देखूँगा रिपेयर होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आई परचेज अ न्यू वन जिसकी बैटरी हो, क्योंकि अपने को मेन बैटरी की ज़रूरत है। बहुत परेशान हो चुका हूँ बैटरी से बार बार चार्ज करके, तो हम लोग नया फ़ोन लेंगे। 100 यूरो 150 यूरो के अंदर जो भी अच्छा फ़ोन आएगा वो ले लेंगे, जिसकी बैटरी लगभग 5000 mAh के आसपास या 5 से 6000 के आसपास होगी। तो निकलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट कैसी होती है और क्या क्या प्राइजेज हैं अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के। हम लोग गए थे मीडिया मार्ट, और मीडिया मार्ट पहुंचने के बाद एंटर हुए। सबसे पहले तो जैसे आईफोन के स्टोर में गए थे और आईफोन मतलब सामने ही सारे फोन्स लगे होते हैं। सबसे पहले जो फोन था वो अपना था आईफोन 13 128 GB और उसकी प्राइस लगभग आपने देखी 1169 यूरोस। मतलब ये जो प्राइस है ये इंश्योरेंस वगैरह इंक्लूड नहीं करती है, 2 साल की वारंटी ये लोग देते हैं आईफोन के अंदर। और मतलब अलग अलग कंपनीज के अलग अलग सेक्शंस होते हैं, जैसे कि आप देखो मैकबुक एयर रखा हुआ है 1129 यूरोस का, 256 GB, 7 कोर 8 कोर, अलग अलग स्पेसिफिकेशंस होते हैं, तो इसकी जो प्राइस है वो 1129 यूरोस है। मैं प्रेफर ज़्यादातर करता हूँ अमेजोन से शॉपिंग करने के लिए, ये कलर का डिफरेंस है बस, प्राइस ऑलमोस्ट सेम है लेकिन आप कलर दूसरा लेते हो तो दूसरी चीज़ें आ जाती है। फिर अपने आते हैं रेडमी के फ़ोन्स भी रखे हुए थे वहाँ पे, Redmi Note 10G की प्राइस जो थी वो 269 यूरोज थी और 269.89, मतलब Redmi के सारे फ़ोन जो है वो 200-300 के अंदर अंदर आ जाते हैं। 128 GB था ये, और उसके बाद रखा हुआ था आपका 10S Note की जो प्राइस है वो भी अराउंड आई थिंक 260 क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, हाँ 239 के आसपास थी। और 299 यूरोस का जो था ये था Redmi Note 10। तो ये सारे जो Redmi के फोन्स थे लाइन से रखे हुए थे, Redmi के फोन्स भी काफ़ी ज़्यादा चलते हैं। और जो मैंने भी ऑर्डर किया है अभी वो Redmi का फ़ोन ही ऑर्डर किया, Redmi Note 9 Pro 64 GB, और उसकी जो प्राइस है वो अराउंड 220 यूरोज है। मैं ज़्यादातर अमेज़ॉन से ही लेने के लिए प्रेफर करता हूँ, क्योंकि अगर आपको कोई दिक्कत आती है ये वाला फ़ोन ऑर्डर किया कोई दिक्कत आती है तो आप डायरेक्टली अमेजोन से यहाँ पर ऐसा होता है कि उसी टाइम रिटर्न कर सकते हो, 3 साल के अंदर अंदर रिटर्न करोगे तो आपको पैसे पूरे। बेस्ट चीज जो यहाँ मुझे लगी वो ये फ्लैप वाले फोन। फ्लैप वाले फोन जो है 50 यूरो के अंदर अंदर सारे फोन, बहुत सारे फोन अवेलेबल थे। ये सिर्फ 25 यूरो का फोन है, ये 50 यूरो का, ये भी फ्लैप वाला, ये बहुत पुराने जमाने वाले फोन है लेकिन इसमें ज्यादा कुछ फीचर्स अभी होते नहीं है। आप सिर्फ फोन उठाओ और फोन लगाओ, बस ये 2 चीजें होती है, बाकी ज्यादा कोई चीजें इसमें होती नहीं है।
ये पूरा इसका सेक्शन था यहाँ फ्लैप वाले फोन है, लाइन से आप आगे तक देखोगे ये फ्लैप ही फ्लैप के फोन है, और ये 100 यूरो के अंदर अंदर बहुत सारे फोन्स थे। अगर आपको सिर्फ थोड़ा स्टाइलिश और सिर्फ एक फोन रखना है जिससे आप फोन लगा सको, फोन उठा सको, तो उसके लिए आए बहुत मस्त वाला फोन। फिर आती है अपनी आई वॉच सीरीज 7 की वॉच है ये, और सीरीज 7 की वॉच की जो अभी प्राइस चल रही है वो 729 यूरोज है, और यहाँ पर आपने रेड कलर में दिखा रहा होगा टागस, टागस प्राइस जो है वो आक्टुलेट सीयर्ट रोज होती रहती है, तो जो एक्चुअल यहाँ प्राइस लिखी है वो एक्चुअल प्राइस नहीं है, 30-40-50 यूरो के आसपास ऊपर नीचे होता रहेगा। और ये आईपैड एयर रखा हुआ है जैसे कि, और आईपैड में बहुत सारी चीज़ें, मतलब अब उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती भी है तो आपको वहाँ पर मीडिया मार्क पे जाके पूछना होता है। जैसे ये 649 यूरोज का आईपैड है और इसके स्पेसिफिकेशंस हैं वो इसके ऊपर आप लिखे हुए हैं, इसके ऊपर आप पढ़ सकते हैं जो लिखे हुए हैं। फिर हम जो सेक्शन में जाने वाले, वो सेक्शन मुझे बहुत ही कमाल का सेक्शन लगा था। ये आईफोन वगैरह एप्पल के सेक्शन से अगर दूर हटते हैं तो अब हम आते हैं गैलेक्सी, सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 3। ये फोन सबसे अच्छा फोन लगा मुझे यहाँ पर, लेकिन इसकी प्राइस भी सबसे अच्छी थी, 1799 यूरोज का था। भाई कन्वर्ट खुद से कर लेना, गुणा 80 कर देना, 1800 यूरो के आसपास का है, मतलब कि अगर आप गुणा करके देखो तो 130,000-120,000 के आसपास का ये फोन है। लेकिन ये फोन जब हाथ में कैरी करा तो इतना बढ़िया लग रहा था कि उसी टाइम खरीदने का मूड हो रहा था, लेकिन नहीं, 1799 यूरोज किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए पे करना सही नहीं होगा। उसके बाद हमारा दूसरा वाला जो फोन था वो था फोल्ड है, कौन सा है ये, फ्लिप फोल्ड तो पहले वाला था, हाँ ये फ्लिप वाला, ये भी काफी ज्यादा चलन में, ये 949 यूरोज के आसपास था, और इसमें जो है ये 23.25 यूरोज जो लिखा हुआ है आप देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप पर महीने की EMI करवा सकते हो, मतलब 23.25 यूरोज दोगे तो आपको ये हर महीने की EMI करवा सकते हो। उसके बाद जो हैंडी टाशन का मतलब होता है इंग्लिश में फोन कवर जो है काफी महंगे है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इंडिया से आप फोन कवर लेके आना, ये सिर्फ आईफोन 8 का है और इसकी प्राइस जो है 35 यूरोज के आसपास है। मतलब फोन कवर्स तो अगर आप वहां से आ रहे हो इंडिया से तो फोन कवर्स लेके आना, यहाँ पर बहुत महंगे होते हैं। हाँ कियोस्क में फोन कवर्स सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन वो भी 5-6 यूरो से सस्ते नहीं मिलेंगे, वो ज्यादा ही मिलेंगे, 10 यूरो के तो मिलेंगे। ये है किंडल, जिनको नहीं पता किंडल वही है ये कि आप बुक पढ़ सकते हो इसके अंदर, डिजिटल फॉर्म में होती है बुक, और ये भी 100 यूरो के अंदर अंदर थे। उसके बाद का जो सेक्शन था वो था हमारा हार्ड डिस्क, ये सारी लाइन से हार्ड डिस्क रखी हुई है, 100 यूरो के अंदर काफी सारी हार्ड डिस्क थी, 100 यूरो के अंदर मतलब 10,000 रुपए के अंदर अंदर 2 टेराबाइट, 85.89 यूरो की है। और जो मेरे पास पर्सनली हार्ड डिस्क है वो ये वाली है अल्ट्रा टच सीगेट की 2 टेराबाइट की, ये मैंने लगभग 4 साल पहले ली थी 10,500-11,000 रुपए में। और उसके बाद अपना ये प्रिंटर है, ऑल टाइम प्रिंटर 250 यूरो के, इसमें आपको सारे फंक्शंस मिल जाएंगे। और ईयरफोन्स हेडफोन्स जो है ये 20 यूरो के आसपास, मतलब वही 25-30 यूरो, वो डिपेंड करेगा आप कौन सी कंपनी के लेते हो, ये लोकल है बट 25 यूरो का मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, ये भाई थोड़े बहुत दिन बाद खराब हो जाते हैं और कोई मतलब नहीं इनको लेने का। यहां से कुछ लो तो ब्रांडेड चीज लो, सोनी के लो या फिर JBL के अलग आते हैं या फिर सैनिटाइजर के आते हैं, बहुत सारे अलग अलग जो है ब्रांड्स के आते हैं। ये पूरा यहाँ से दिखता है, CD का सेक्शन है, ये CD, DVDs, PlayStation 5 की सारी DVDs लाइन से रखी हुई है, और इसके भी प्राइसेस जो है वो 100 यूरो के अंदर अंदर है, मतलब 70-80 यूरो के। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये देखी कि यहाँ पे बॉलीवुड की भी CDs, DVDs रखी हुई है, और इनके जो प्राइस है वही 10 यूरो के आसपास, हॉलीवुड की रखी हुई है 10 यूरो 15 यूरो 10 यूरो के आसपास काफी अच्छी CDs मिल जाती है। फिर ये स्टॉपजॉगर बोलते हैं जर्मन में इसको, वैक्यूम क्लीनर, इसकी जो प्राइस है वो प्राइस भी लगभग 89 यूरो है, मतलब 7-8,000 रुपए के आसपास। फिर आपने आती है फ्रिज की जो प्राइस है वो है 750 यूरो, डबल डोर फ्रिज भी है इसमें, सिंगल डोर भी है, सारे 750 यूरो मतलब कि 60,000-70,000 के आसपास इनमें यही प्राइस है। अब जब आप खाली रूम लेते हो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप गैस चूल्हा कौन सा लेते हो, ये वाले चूल्हे जो मिलते हैं ये भी काफी अच्छी प्राइसेस में आपको मिल जाते हैं। जो हमारे पास अभी है वो ये वाला है जो 219 यूरोस का है, मतलब कि 20,000 यूरो के आसपास आपको 4 गैस भी मिलेंगे, इसमें ये इलेक्ट्रिक होता है पूरा और साथ में ओवन भी मिलेगा। और अगर और हाई रेंज में जाना है तो 649 यूरोस का है, मतलब कि 60,000 यूरो के आसपास का ये पूरा चूल्हा है, ओवन भी होता है इसमें, सब होता है, लेकिन वही इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका बहुत ज्यादा है, ये सारे इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। उसके बाद आपका जूसर आ जाता है, इसकी जो प्राइस है 70 यूरोस में जूसर यहाँ पर मिलेगा। तो यार ये जो चीजें हैं आप अपने हिसाब से देख सकते हो और पता कर सकते हो कि कौन सी मैं इंडिया से लाऊं, कौन सी यहाँ से खरीदूं।
ट्रिमर जो है मैं सजेस्ट करूंगा यहीं से खरीद लेना, क्योंकि ये 30 यूरो, 20 यूरो, 10 यूरो का ट्रिमर है, जैसे कि ये काफी मस्त है। ये उस टाइम चल नहीं रहता, बैटरी इसकी डिस्चार्ज होगी, लेकिन ये सारी चीजें हैं। नई चीज जो देखने को मिली वो था 20-25 हजार रुपए का ब्रश, 265 यूरो का था। अभी आपको रिकॉर्डिंग में ये चलता हुआ दिखेगा नहीं, क्योंकि ये वाइब्रेट करता है। आप सिर्फ आपको इसकी मोटर ऑन करना है, मोटर ऑन जैसे करोगे तो आपको ये ब्रश जो है वो वाइब्रेट करेगा। एक और आगे एक वीडियो है जिसमें ये आप एक क्लिप है जिसमें आपको दिखेगा कि जब मोटर ऑन करते हैं ये ब्रश की, तो आपको वो रोटेट होता हुआ, क्योंकि वो सर्कुलर शेप में। ये वाला जो ब्रश है, ये इसके हाथ में, गगन के हाथ में ये वाला जो ब्रश है, ये देखना अगर मैं अभी ऑन करूंगा तो ये आपको सर्कुलर डायरेक्शन में घूमेगा और पता चलेगा कि ये मोटर जो है रोटेट होती है। ये सिर्फ 20 यूरो का ब्रश है, ओरल बी का, मतलब 1800 रुपए के आसपास का सिर्फ और सिर्फ ब्रश है ओरल बी का, और वो जो था वो 20,000 रुपए का ब्रश। काफी इसकी वारंटी वगैरह भी होती है और काफी अच्छे चलते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वॉशिंग मशीन की। 72,000 अराउंड जो है वॉशिंग मशीन है, 799 यूरोज, 899 यूरोज के आसपास। और ये है अपनी टीवी, 60-70 इंच की टीवी है शायद, और यहाँ पर इसमें कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है, जर्मनी का 3109, 3.5-3 लाख रुपए की टीवी। मतलब उसमें भी अलग अलग रेंजेस होती है, आप कौन सी टीवी लेना पसंद करोगे। बाकी जो मैं सजेस्ट करूंगा पर्सनली वो ये है कि ईबे क्लाइन अनसाइकन वेबसाइट होती है, वहां सेकंड हैंड माल सारा मिल जाता है। ज्यादातर लोग जो है अपने देसी लोग वो यहाँ से चीजें नहीं लेते, क्योंकि ईबे क्लाइन अनसाइकन पे आपको बहुत सारी चीजें सस्ते प्राइसेस में अवेलेबल होती है और मिल जाती है, और काफी टाइम भी चलती है, ऐसा नहीं है। यहाँ से जो शॉपिंग करते हैं वो भाई जिसका सैलरी वगैरह अच्छी वो करते हैं। और ये है ई बाइक, 979 यूरोज, इलेक्ट्रिक बाइक है, इलेक्ट्रिक से पूरा, बस एक्सेलेटर दो और चल पड़ेगी। उसके बाद हमारा आता है स्पीकर, स्पीकर ही 455 यूरोज, मतलब 30-35 हजार का सोनी का अवेलेबल है, और सोनी का ये बड़ा वाला भी है 245 यूरो। इसके स्पेसिफिकेशंस भी आप पॉज करके जो है सारी स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं इसकी प्राइस टैग पे, तो आप वो इजीली देख सकते हो वीडियो पॉज करके। ये छोटे मोटे स्पीकर्स हैं जिनकी रिंग लाइट काफी सस्ती है, 30 यूरो की, 2700 रुपए के आसपास की रिंग लाइट है यहाँ पर। तो ये सारी चीजें अवेलेबल यहाँ पर है। तो भाई निकल गए हम लोग यहाँ से बाहर, ये रहा पीछे मीडिया मार्ट, और घर चल के बात करते जो भी है, ठीक है। तो लगभग 1 या 2 घंटे पहले मैं आ गया था, और जो है वीडियो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैं फिलहाल जो है, मतलब ये वीडियो पूरा मैंने जो बनाया वो बनाया था इसलिए कि मैं फ़ोन खरीद लूँगा, लेकिन फ़ोन खरीदने का मेरा मन जो है बीच में ये हुआ कि मैं अमेज़ॉन से ही फ़ोन खरीदता हूँ। फ़ोन मैंने जो डिसाइड किया है वो Redmi Note 9 Pro, जो कि 220 यूरो के आसपास का फ़ोन है, 64 GB है, और जो 128 GB का था जो आपने वीडियो में देखा होगा वो था 128 GB, तो उसकी प्राइस थी 299 यूरो के आसपास, मतलब 24-25 हज़ार रुपये के आसपास। तो मैंने सोचा कि भाई फ़ोन जो है अमेज़ॉन से ऑर्डर करते हैं, और क्यों ऑर्डर करते हैं, क्या रीज़न है ऑर्डर वहाँ से करने का, ये मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा जब हम फ़ोन अनबॉक्स करें। हमारा फ़ोन हमने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है, कल परसों तक फ़ोन आ जाएगा। 220 यूरो बड़ा नहीं, ठीक है, बढ़िया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना, और अगर इन्फॉर्मेशन जो वीडियो के अंदर है वो थोड़ी बहुत भी वैल्यूबल लगी हो तो बहुत अच्छी बात है, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड चाओ चाओ, खुश रहो, खुश रखो, ओके।